ऐसा रहता नहीं है और आपके एक्शंस याद रहेंगे। मैडम रैली में शामिल हाँ आप लोगों को कैरियर से जो अस्पताल गया है उसको उठा उठा के बंद करना। क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ इतने सारे लोगों के सामने मत करना। आप जिन लोगों को चोट आई है उन लोगों को लोग पलायन कर रहे हैं, जगह जगह पर मैं गई हूँ वहाँ पलायन कर रहा है आदमी, आपको लिस्ट पकड़ाई गई है। जिन छतों के ऊपर पत्थर रखे गए थे आपके लोगों ने वहां जाकर चेक क्यों नहीं किया, और जो दुकानें जली गई हैं आपका अभी तक एक आदमी गया नहीं चेक करने को। सर नहीं चेक करवा लिया नहीं, वो सब दुकानदार हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा एक भी आदमी नहीं आया पता करने को कि हमारी क्या हुआ है। टीम भेजी थी, कब गई थी आपकी टीम? एसडीएम और तीनों टीम भेजी थी, एमपी साहब को पता है, टीम भिजवा के सर्वे करवाया और टीम भेजी है मैंने। टीम तैयार है, भेज भी थी, तीनों की टीम भेजी। लिस्ट क्या बनाई है भाई आपके सामने, उन लोगों ने कहा है हमारे घर में अभी तक पता करने नहीं आया। आप किसके खिलाफ ले रहे हो? वो गजेंद्र सिंह क्या कर रहा था? अस्पताल में था, उसको उठा के क्यों बंद किया? नहीं वो दिखवा लेंगे मैं, ऐसे उठाने का मतलब क्या? अरे नहीं ऐसे नहीं उठाया, पूरे बयानों में भी FIR में भी नाम करना भाई, FIR में भी नाम करना है। गजेंद्र का दिखा रहे हैं इनकी दुकान है इस तरीके की, भैया इसका बरामद करो। वो कह रहा है कि मेरा सामान इधर है, जाके बरामद करो ना। करवा लिया था मैं, मेरी अभी और कोई नहीं नहीं स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे दिखवा लेंगे, इनके पास नहीं, इनका बरामद नहीं हुआ है। आपके वो सात लोग हैं जो धोली क्या नाम है उस धोली खार के साथ, उस आदमी का कहना है कि भाई साहब हम यहाँ रह नहीं सकते, इतना मने इन लोगों की दहशत। एक बार चेक कर लेते हैं, एक टूरिस्ट हमें दी थी वो तो चेक करवाई थी, तो सारे लोग यही रहे, यही रहे 195 की लिस्ट दी थी उसको चेक करवाई थी जी मैम। एमपी साहब को पता है, चेक करवाया था, मैं खुद गया, मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये मेरे सामने बातें हो रही है जी मैम, मैं खुद गया था चेक करने के लिए। बेटर डू समथिंग अबाउट इट भैया, बिकॉज़ इस तरीके से जो चल रहा है जी मैम इट इज अनएक्सेप्टेबल। मैं खुद चेक करके चलेगा यार जी, तो बात करने का मतलब ही नहीं है।